खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन हमारे बड़हलगंज की लड़कियों ने कुछ इस शब्द को कहीं ना कहीं अलग कर दिया है और एक नया शब्द अब यहाँ पे गढ़ दिया है। और इसी बीच एक नई खुशखबरी है आप बड़हलगंज वालों के लिए, पहली बार बड़हलगंज में अंडर 16 टीम के लिए 3 बच्चियों का चयन हुआ जिसमें से 2 नेशनल के लिए खेलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं पूरे गोरखपुर के लिए गर्व की बात है। और आज उन बच्चियों से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, उनकी कहानी आपने शुरू में ही देख ली, तो चलिए सबसे पहले उनसे बात करते हैं, उनके संघर्ष को जानते हैं, कैसे वो सुबह सुबह प्रैक्टिस करती हैं और कैसे उनका चयन इतने बड़े स्तर पर हो गया है। तो बधाइयाँ भी मिलनी चाहिए, आप तब तक बधाइयाँ भी दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले उनकी कहानी तो होनी चाहिए ना। पहले कहानी में चलते हैं, कैसी कैसा उनकी जर्नी रहा, कैसे लोग उनसे जुड़ते गए और किस तरीके से उनके कोच इतनी मेहनत करते हैं आज हम दिखाना चाहेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सिम्पी प्रजापति। क्या नाम है आपका? किरण प्रजापति। क्या नाम है? सीमा गुप्ता। क्या नाम है? आय सरफराज। रोशनी गौन। मायरा खान। सिम्पी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप दोनों बहनों का, जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ है कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। Yes. कैसे मतलब सुबह से जब से ये खबर आई है बधाइयाँ मिल रही होंगी? Yes. बहुत ज़्यादा मिल रही है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहता, कैसी जर्नी रही इन दिनों में, कैसे फुटबॉल में आना हुआ, इस ग्राउंड पे आना हुआ और कैसे आप लोग खेलते हो? शुरू शुरू में जब हम लोग ग्राउंड जाते थे तो स्कूल से हम लोग जैसे कि कंपटीशन निकला था एथलीट का, तो तभी हम लोग ग्राउंड में आए थे शुरू शुरू में। तो उसके बाद जब हम लोग खेलने एथलीट का जब प्रैक्टिस करने लगे तो उसके बाद जब कि एक सांसद मैच हुआ तो उसमें हम लोग को उतार दिया गया, तो जबकि हम लोग फुटबॉल कभी टच ही नहीं किए थे। अच्छा। उसमें उस मैच में हम लोग बहुत बुरी तरीके से हारे। तो उसके बाद वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद वहीं से हम लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मन कर रहा है फुटबॉल खेला जाए। यस। अच्छा, रोज सुबह प्रैक्टिस होती है? हाँ, रोज सुबह। अच्छा, 2 टाइम ग्राउंड चलता है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों। अच्छा, सर कौन है आपके कोच? मिस्टर आर एन सिंह राव। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए जिस तरीके से आप खेल के प्रति इंटरेस्टेड हो रही हैं, आप लोग ये कर रहे हैं, साथ ही आप लोग नेशनल के लिए क्वालिफाई करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझती हैं इसे? ज़्यादा नहीं, लेकिन समझती हूँ। ज़्यादा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे आप लोगों को महसूस होती है अंडर 16 फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होना, वो भी नेशनल के लिए? बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उम्मीद थी कि हो जाएगा? हाँ, नहीं मतलब उम्मीद था ही कि हो जाएगा, मतलब मेहनत तो करेंगे तो हो तो जाएगा ही। हाँ, और खासकर बड़हलगंज में आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आती, कौन से गांव की हो? भैसौली। भैसौली गांव की हो, तो उतने संसाधन नहीं मिलते होंगे, घर वाले भी टोकते होंगे कि घर वालों का परमिशन मिलता है पूरा? घर वालों का पूरा सपोर्ट है, लेकिन गांव में लोग जो देखते हैं तो बोलेंगे कि जाती है रोज खेलने, बहुत लोग जलील करते हैं, बहुत लोग किया करते थे ऐसे। लेकिन अब जब हमारा नेशनल में सिलेक्शन हुआ तो हमारे पूरे पेरेंट्स मतलब अच्छे से जहाँ जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि मेरे पापा का नाम लेके लोग बोलते हैं कि ये आपकी बेटी है, यहाँ तक पहुँच गई खेलते खेलते। बहुत लोग मतलब मेरे पापा को बहुत लोग रिस्पेक्ट देते हैं खेल के प्रति। क्या करते हैं पापा, परिवार में और कैसी स्थिति है परिवार की? परिवार में थोड़ी ज़्यादा स्थिति हमारी ठीक नहीं है, लेकिन तो भी ठीक है। तभी ठीक है। पापा पूरा परिवार सपोर्ट करता है खेल को? बहुत ज़्यादा, खासकर तो मेरी दीदी सपोर्ट करती है। दीदी सपोर्ट करती है। अच्छा, कब यहाँ स्टेडियम में कब आना होता है आप लोगों का, कितने बजे आ जाती हो? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे आ जाती हो, और तब से कितने घंटे यहाँ प्रैक्टिस होती है? 8 बजे तक। 8 बजे तक प्रैक्टिस होती है। अच्छा, एक चीज़ हमें बता दीजिए, जिस तरीके से खेल का वातावरण है, अभी दो लोगों का आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और भी लड़कियाँ हैं और भी लड़के हैं, इन लोगों का सिलेक्शन होगा, तो अंदर एक कैसी खुशी आप लोगों की हो रही है और सोच क्या है कि बड़हलगंज में ऐसे ही अगर खेल आगे बढ़ रहा है, क्या सोच रही हैं? कि बड़हलगंज की पहली लड़कियाँ जो मतलब हैं मतलब गई मतलब नेशनल के लिए चुनी, नेशनल कैंप के लिए चुनी गई, हमें देखकर और भी लोग प्रभावित होंगे, तो और भी लोग खेल के प्रति प्रभावित होंगे। सर से जब हम बात कर रहे तो एक चीज़ बात पता चली कि संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग कई बार ऐसे होगा कि टूटे होगे कि नहीं रिया नहीं खेलेंगे, नहीं दूसरा में चलते हैं, ये वाली चीज़ें हुई हैं आप लोगों के? हाँ, बहुत बार हुई है। जैसे कि एक बार हम लोग अभी जब एथलीट में थे तो एक कोच थे तो हम लोग को बस एथलीट में ही प्रैक्टिस कराते थे, बस रनिंग फिजिकल यही सब ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद जब हुआ कि हम लोग को ग्राउंड से निकाल दिया जाएगा तो फिर हम लोग को सर मिले, सर हम लोग को बताए कि तुम लोग खेलो, तुम लोग बहुत आगे तक जाओगे, इसलिए हम लोग फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, ये बताइए मुझे किस तरीके से पैसा वैसा लगता है यहाँ पे, कैसे? नहीं सर, हमारे फ्री में सिखाते हैं। फ्री में सिखाते हैं? यस। अच्छा, फ्री में सिखाते हैं, जबकि हम लोग को बोली जिससे हम लोग को पूरा वो सब जर्सी भी मिलता है, बूट वूट सब लोग देते हैं, पूरे अपनी तरफ से लोग देते हैं, हम लोग को बस प्रैक्टिस करना रहता है और खेलना रहता है।
यहीं पे आप लोग यहाँ पे आती हो, खेलती हो? यस। अच्छा, सबसे पहले किसका आभार व्यक्त करना चाहोगी, क्योंकि बधाइयाँ तो मिल रही हैं, किसका श्रेय देना चाहोगी, कौन कौन श्रेय के हकदार है इस वाले में आपके संग? सबसे पहले तो मेरे सर हैं जो हमारे साथ बहुत सपोर्ट किए, लोग इन्हें बहुत कुछ बोले, हमें भी बहुत कुछ सुनाया, लेकिन इन्होंने हमें नहीं छोड़ा, हम लोग भी गेम को नहीं छोड़े, खेलते रहे। आज हम जिस लेवल पे खड़े हैं उसकी वजह मेरे कोच हैं राजन सर। बहुत बढ़िया। परिवार की स्थिति हम पता कर रहे हैं, हालांकि अगली वीडियो में और भी हम लोग जाएंगे, बातचीत भी करेंगे परिवार वालों से, लेकिन बहुत बहुत आप लोगों को बधाई जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ है। और यकीन मानिए साहब, इन बच्चियों की कहानी सुन के ना आप वाकई में, हम तो अचंभित हो गए, क्योंकि इनके साहस की कहानी, इनके खेल की कहानी और इनके संघर्ष की कहानी इन्हें आगे बढ़ाती रहेगी। और आज क्या सपना है खेल के प्रति, ओलंपिक या क्या? हाँ, मेरा तो सपना है कि मतलब बहुत बड़े देश के लिए खेलूं। मैं देश के लिए खेलूं। Yes. तो अभी तो शुरुआत हो गई है। हाँ, अभी शुरुआत हुआ है। तो धीरे धीरे अंडर 16 उसके बाद अंडर 18 उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना। Yes. है। ओलंपिक में क्या सोचा है, देश के लिए नाम कहाँ तक खेलना चाहोगी? जहाँ तक मैं खेल सकूँ। जहाँ तक आप खेल सको। तो क्या सपना क्या है फाइनली? सपना मेरा है फाइनली है कि मैं किसी ना किसी एक दिन इंडिया खेलूँ। किसी ना किसी एक दिन इंडिया खेलूँ। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और वाकई में गोरखपुर के हम सिकंदर हो आप लोग, वाकई में सिकंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनकी कहानी तो आपने देख ली, अब उन बच्चियों से बातचीत हो जाए जो इंस्पिरेशन ले रही हैं और ये भी मेहनत करती हैं, और इनका ज़रूर इरादा है कि क्योंकि सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता सर। सर, पहले सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से कि यहाँ पे खेल का वातावरण मिलता है, क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा मिलता है, जहाँ तक चाहिए हमारे कोच बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है, और जहाँ तक है तो बहुत लोग थे हमें बदनाम करने वाले, हमारे कोच को बोलने वाले कि ये लड़के को सिखाते हैं, इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत लोग सुनाए हैं हमारे कोच को, हमें भी सुनाया, पर हमारे कोच कभी हमसे पीछे नहीं हटे, हर वक्त कहें कि बच्चे हो आप हमारे हो, हम आपको सिखाएंगे, हर वक्त हमें सपोर्ट किए हैं। वेरी गुड। किसी वक्त हमें छोड़े नहीं, अकेला फील तो हमें महसूस करने ही नहीं दिए हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह हमें सपोर्ट करते रहे हैं, और हमारे भैया लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वक्त सपोर्ट करते रहते हैं। भैया लोग ये नहीं बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, कहीं जाना रहता है सीधे एक कॉल करो भैया को बोलो, भैया चले जाते। एक भैया तो है बहुत खास है हमारे लिए आलम, वो और सपोर्ट करते हैं हमें। तो कहीं ना कहीं यही इन सब चीजों की वजह से आप लोग आगे बढ़ रही हो खेल में और खासकर फुटबॉल में। जी बिल्कुल सर। अच्छा, फुटबॉल की स्थिति तो देश में डाउन है, लेकिन आप लोग अप करने कहीं ना कहीं आ गई हो, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लड़कियों के फुटबॉल में आप लोग नाम करोगी, हालांकि अभी सिलेक्शन नेशनल हुआ, क्या सोच है? बहुत अच्छा सोच है, हम लोग जहाँ तक चाह रहे हैं तो इंडिया के लिए खेलना चाह रहे हैं। अगर हमारी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, हमारे कोच सपोर्ट करते हैं, हम मेहनत करते हैं तो हम जरूर खेलेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, और वाकई में आप आगे बढ़ोगी। ये कहीं देख रहे हैं इन लोगों की मत, इनका कॉन्फिडेंस देखिए साहब, ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बड़हलगंज की लड़कियाँ पूरे गोरखपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कमाल करने वाली हैं। तो ये तारीफ आज आपकी वाकई होने वाली है। क्या नाम है आपका? रोशनी गौर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले ये बताइए मुझे, जिस तरीके से बातचीत हुई, एक अलग कहानी, सबकी अलग अलग कहानियां हैं, परिवार वाले कैसे भेजते हैं यहाँ पे? कभी डांट भी सुनी होगी, अरे क्यों सुबह जाना है ये सब करना? हाँ, बहुत बार। लेकिन अब खेलना है तो सबको इग्नोर करना पड़ेगा ही। तो फुटबॉल में ही आना था या अलग अलग चीज? नहीं, फुटबॉल में ही आना था। पहले तो हम लोग एथलीट में थे, लेकिन अब कोच चेंज हो गए तो फुटबॉल खेलने लगे हम लोग। तो फुटबॉल में फ्यूचर है क्या लग रहा है? बिल्कुल है, फ्यूचर है। हम लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम लोग इंडिया के लिए खेलें। तो मेहनत हो रही है? बिल्कुल। और मेहनत कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? माहिरा खान। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। सबसे पहले मुझे बताइए, सबकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन अलग अलग कहानियों के बीच सबकी कहानी अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ी कहानी आज मैं सुनना चाहूँगा, परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है, सर का कैसा सपोर्ट रहता है, और पूरे ग्राउंड स्टाफ का कैसा सपोर्ट रहता है, सपोर्ट के बारे में बता दीजिए। सर तो बहुत सपोर्ट करते हैं, ग्राउंड वाले भी सपोर्ट करते हैं, और घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। घर वाले परमिशन दे देते हैं कि जाना? परमिशन। कितने बजे यहाँ पे आ जाती हो? यहाँ पे 5 बजे। 5 बजे आ जाती हो? अच्छा, कोई कभी डांटा टूटा नहीं है कि अरे क्यों ऐसे जा रही है, दूसरे खेल में जाओ, या ये सब चीजें? नहीं, कोई नहीं। घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ, घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। घर वाले। तो ये सुबह आती हो या शाम को भी प्रैक्टिस होती है, कैसे प्रैक्टिस? सुबह में भी होता है, शाम में भी होता है। शाम में भी होता है। चलिए, एक क्या नाम है आपका? आया सरफराज। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन अभी मैंने देखा आपको प्रैक्टिस करते हुए, तो कब से यहाँ पे आती हो? 7 साल से। 7 साल। कितनी उम्र है आपकी? 10। अच्छा, परिवार वाले कैसे रहते हैं? सब का यही है कि खेल में जाओ?
अच्छा अभी से प्रैक्टिस चालू है? हाँ। अच्छा तो अभी से प्रैक्टिस चालू है, ये तमाम सी लड़कियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, हालांकि पुरुष टीम भी वहाँ पे है, लेकिन आज इनकी कहानियाँ विशेषतः क्योंकि दो लड़कियों का सिलेक्शन अंडर 16 में हुआ है, तो सोचिए नेशनल लेवल की खिलाड़ी यहाँ पे अब होने वाली हैं, साथ ही और भी खिलाड़ी हैं, तो सबका स्वागत, सबका इस्तकबाल और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यही लड़कियां साहब इतिहास बदलेंगी। और एक वक्त था, मैंने शुरू में कह दिया कि एक वक्त था, कहा जाए देश में बेटियों का स्थान ऐसा समझा गया कि उन्हें भ्रूण में हत्या कर दी जाती थी, लेकिन जब ऐसी बेटियां हो ना साहब तो कौन हत्या करके पछताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, वाकई में आप सभी गोरखपुर के सिकंदर हैं।